बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार से निकले जाने माने अभिनेता गुरमीत चौधरी के बारे में। कुछ चीजें हासिल कर पाना तो आसान होती है, लेकिन कुछ चीजों को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, और इस सब के बाद भी वो मुकाम मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन युवा सपने देखते हैं और उन पर यकीन करते हैं, वो खुद पर यकीन करते हैं और अपने सपने से बेइंतहा प्यार भी करते हैं। लेकिन अपने मुकाम तक पहुंच पाने के लिए उन्हें दुनिया के उस रूखेपन और विरोध का भी सामना करना पड़ता है जो उन्हें तोड़ने के लिए काफी होते हैं। कुछ ऐसे ही अकेले सफर की कहानी है भागलपुर के छोटे कस्बे से लेकर महानगर मुंबई के बड़े पर्दे तक पहुंचने की। जहां कोई पहचान नहीं होती, वहां पहचान बना पाना बहुत मुश्किल होता है, और बात तब भी गंभीर हो जाती है जब उस पहचान के लिए एक मौके की जरूरत हो। लेकिन बिहारियों ने अपने प्रतिभा के दम पर इसे पूरा किया है। अपने जिद, मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान कायम की है। आज बिहारी उन तमाम जगहों पर मौजूद है जहां एक सुनहरे भविष्य का बीज है। आज हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल के बाद फिल्मों में अपना पहचान बनाए जाने वाले गुरमीत चौधरी के बारे में। गुरमीत चौधरी का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 22 फरवरी 1984 को हुआ था। वे हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। गुरमीत चौधरी का जन्म भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता पिता का नाम सीताराम चौधरी और अनमोल चौधरी है। उनके बचपन की जिंदगी हो या फिर करियर तक का सफर या फिर उनके लव लाइफ और मैरिज लाइफ की ही बात करें तो सभी काफी दिलचस्प रही है। गुरमीत चौधरी टीवी सीरियल रामायण से चर्चा में आए थे और राम के किरदार की भूमिका निभाई थी। वहीं उनके साथ सीता की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस देबिना बैनर्जी से ही उन्होंने विवाह किया। पर्दे पर राम सीता की जोड़ी में नजर आने वाले कब ये एक दूसरे के हमसफर बन गए कुछ पता नहीं चला। गुरमीत बताते हैं कि देबिना बैनर्जी से उनकी पहली मुलाकात साल 2004 में बॉलीवुड स्टार कॉन्टेस्ट के दौरान हुई थी और तब से ही दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग रही। गुरमीत और देबिना ने साल 2006 में चुपचाप शादी कर ली और किसी को कोई खबर नहीं हुई। फिर उन्होंने साल 2011 में अपने घर वालों की उपस्थिति में रजिस्टर मैरिज किया था। वैलेंटाइन मनाने के अगले ही दिन ये अपनी शादी का सालगिरह मनाते हैं। बताते चले कि यह जोड़ी टीवी जगत के सबसे हॉट कपल की लिस्ट में शुमार है। अपने प्यार का इजहार करने का ये जोड़ा कोई मौका नहीं गवाते। देबिना मुखर्जी ने गुरमीत के साथ अपनी शादी के 9वें सालगिरह पर गुरमीत को एक सरप्राइज गिफ्ट किया, जिसमें देबिना ने अपने हाथों में गुरु नाम का टैटू और उसके आसपास दिल बनवाया था जो काफी प्यारा है। स्कूल के दिनों से ही गुरमीत को स्टेज पर होने और एक्टिंग करने में बहुत मजा आता था। फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की बात उन्होंने भी कभी नहीं सोची, लेकिन चुनौतियां लेने के लिए तैयार हुए और फिल्मों की दुनिया की तरफ मुड़ गए। बचपन की दिलचस्पी उन्हें फिल्मी दुनिया तक खींच लाई। गुरमीत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका सपना केवल बड़े पर्दे पर आने का रहा था, मगर कुछ साल जब उन्होंने टीवी में काम कर लिया तो एक पॉइंट ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे जिंदगी में नया चैलेंज लेना चाहते थे। टीवी की दुनिया में काफी कुछ हासिल कर चुके थे और फिल्में करना चाहते थे। गुरमीत कहते हैं कि इस दौरान कई लोगों ने कहा कि तुम टीवी स्टार हो और लोग तुम्हें टीवी पर देखते हैं, तो बड़े स्क्रीन पर देखे जाने के लिए क्यों कोई पैसा खर्च कर टिकट खरीदेगा। वे कहते हैं कि टीवी स्टार के बाद फिल्मों में आने के दौरान काफी कुछ सुनना और सहना पड़ा। मुंबई में आकर मुकाम बनाने का सपना गुरमीत ने बचपन से ही देखना शुरू कर दिया था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ी। इस स्ट्रगल के साथ उन्होंने अपने एक्टिंग से प्यार को बनाए रखा और आखिरकार अपने जिद को सच कर दिखाया। उनके दादा उन्हें प्यार से शशि कपूर कहा करते थे। उनके शुरुआती करियर की बात करें तो एक्टर बनने से पहले वो मॉडलिंग भी कर चुके हैं। मिस्टर जबलपुर का टाइटल का खिताब उन्होंने अपने नाम किया था। वहीं वो मिस्टर इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने एक एड फिल्म में भी काम किया था जिसके लिए उन्हें 1500 रुपए मिले थे। गुरमीत ने साल 2015 में महेश भट्ट की फिल्म खामोशियों से पहली बार फिल्म के लिए एक्टिंग की शुरुआत की थी। वहीं छोटे पर्दे पर उन्हें बड़ा ब्रेक 2008 में टीवी शो रामायण में मिला था। इस शो के बाद वे काफी पॉपुलर हुए, साथ ही उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे। उनके कुछ प्रसिद्ध शो की बात की जाए तो रामायण के बाद गीत हुई सबसे पराई, पुनर्विवाह, कोई आपसा, खतरों के खिलाड़ी, डर का ब्लॉकबस्टर, नच बलिए, झलक दिखला जा प्रसिद्ध शो रहे हैं। वहीं उन्होंने टीवी धारावाहिक ये मेरी लाइफ है में पहली बार भूमिका निभाई थी। पर्दे पर उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत नेगेटिव रोल से की थी। साल 2006 में वे मायावी में नेगेटिव रोल में नजर आए थे। गीत हुई सबसे पराई में वो साल 2010 में नजर आए थे। वहीं उन्होंने टीवी शो पति पत्नी और वो आई कैन डू दैट में नजर आए थे। साल 2012 में झलक दिखला जा में उन्होंने भाग लिया था और इसे जीता भी था। डांस बेस्ड रियालिटी शो नच बलिए में भी उन्होंने देबिना के साथ हिस्सा लिया था। हालांकि वो इस शो को जीते नहीं थे, लेकिन फर्स्ट रनर अप जरूर रहे थे। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भाग लिया था और वो इसमें बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार भी हासिल कर चुके हैं। गुरमीत
गीत में खामोशियों के बाद वजह तुम हो और लाली की शादी में लड्डू दीवाना पलटन जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। गुरमीत बताते हैं कि उनका अब तक का यह सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि मुंबई में एक्टर का सपना लेकर आने के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कोलाबा में एक स्टोर में गुरमीत ने वॉचमैन के रूप में भी काम किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया और मशहूर एक्टर बने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।